भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य। नरक चतुर्दशी के दिन का क्या महत्व है लंबी आयु प्राप्त करने के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए? नरक चतुर्दशी के दिन क्या करें? छोटी दीपावली के दिन कुछ जगह हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। आप कैसे करें हनुमान जी की पूजा? इन सब बातों पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सबसे पहले जानते हैं कि आज का पंचांग क्या है, खास राशि, कौन सी तिथि और कौन सा नक्षत्र है और राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? दिनांक 30 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, दोपहर 1:15 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, रात के 9:43 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12:00 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। क्या है नरक चतुर्दशी का पर्व और क्या है इसकी महिमा, पंडित जी बताइए। देखिए, दीपावली पंच पर्वों का एक त्योहार है। पंच पर्व में पहला पर्व है धन त्रयोदशी का, यानी धनतेरस का, और दूसरा पर्व है नरक निवारण चतुर्दशी का या नरक चतुर्दशी का। क्या है इसका महत्व? देखिए, दीपावली के एक दिन पहले का दिन सौंदर्य प्राप्ति और आयु प्राप्ति का दिन माना जाता है। इस छोटी दीपावली पर या नरक चतुर्दशी पर आयु के देवता यमराज की उपासना की जाती है और नरक चतुर्दशी पर सौंदर्य प्राप्ति का प्रयोग भी किया जाता है। नरक चतुर्दशी पर यानी छोटी दीपावली पर भगवान कृष्ण की उपासना भी की जाती है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि छोटी दीपावली पर भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। कहीं कहीं पर यह भी माना जाता है कि छोटी दीपावली पर यानी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी पर हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था, इसीलिए भारत के बहुत सारे स्थानों पर छोटी दीपावली पर हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाते हैं। जीवन में अगर आयु की या स्वास्थ्य की समस्या है तो नरक चतुर्दशी पर अगर आप उपाय करते हैं, अगर आप प्रयोग करते हैं, तो आपके आयु की रक्षा होती है और आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है। अब चलिए राशि की भी बात कर लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? आज के दिन क्या करें, क्या ना करें, क्या होगा आपके लिए शुभ रंग, बताइए पंडित जी। मेष राशि, सेहत आपकी अच्छी होती जाएगी, धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी, काफी व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो मेष राशि के बारे में तो हमने पंडित जी जान लिया जी। अब वृष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और क्या करें, क्या ना करें, शुभ रंग क्या रहेगा?
वृषभ राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा, मानसिक चिंताएं कम होंगी, उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। और अब अगली राशि है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, क्या करना है क्या नहीं करना, शुभ रंग भी आगे हम आपको बताएंगे। पंडित जी, मिथुन राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, धन के खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। यूं तो नरक चतुर्दशी में लोग यमराज की भी पूजा करते हैं, लेकिन इसका एक संबंध सौंदर्य और स्नान से भी है, वो कैसा संबंध है पंडित जी बताइए। देखिए, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि नरक चतुर्दशी पर यम देवता के लिए दीपक जलता है या बहुत सारे लोग हनुमान जी का जन्मोत्सव मना लेते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली को आप रूप और सौंदर्य का वरदान भी पा सकते हैं। इस दिन को रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। क्या करते हैं रूप और सौंदर्य के लिए, नरक चतुर्दशी पर यानी छोटी दीपावली पर प्रातः काल या सायंकाल चंद्रमा जब उदित हो जाएं तो चंद्रमा की रोशनी में जल से स्नान करना चाहिए और इस दिन विशेष चीज का उबटन लगा के, जैसे चिरौंजी का, मलाई का, दूध का, आटे का, बेसन का उबटन लगा करके स्नान करना चाहिए। जिस जल से स्नान करेंगे वो जल गर्म नहीं होगा, ताजे या शीतल जल से स्नान करिएगा। अगर आप छोटी दीपावली के दिन उबटन लगाने के बाद स्नान करते हैं तो न केवल अद्भुत सौंदर्य की और रूप की प्राप्ति होती है बल्कि स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। आज के दिन जब आप स्नान कर लेते हैं तब मंदिरों में या नदियों के किनारे दीपक जरूर जलाना चाहिए। स्नान करने के बाद दीप दान भी करना चाहिए। एक तो कार्तिक का महीना चल रहा है जिस महीने में दीपकों का विशेष महत्व है और उसमें भी रूप चतुर्दशी पर उबटन लगा के स्नान करने के बाद अगर आप दीप दान करें तो आप तेजस्वी होंगे, आपके आयु की और आपके स्वास्थ्य की रक्षा होगी। अब कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आप आज का दिन, और आज के दिन आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपके लिए क्या रहेगा शुभ रंग, वो भी जानते हैं। कर्क राशि, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी, परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा, कोई शुभ सूचना आज आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं
वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। सिंह राशि की, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, क्या करना है क्या नहीं करना, शुभ रंग पंडित जी बताएंगे। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में खुशहाली आएगी, कोई वाहन इस समय खरीद सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं। तो कन्या राशि के बारे में भी जानते हैं कि कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या करना है कन्या राशि वालों को, क्या नहीं करना है और कन्या राशि वालों के लिए शुभ रंग क्या होगा। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे, पारिवारिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। वक्त है आप सबके सवाल का। अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखकर और सवाल लिखकर bhagyachak@aajtak.com पे भेज दे। और पंडित जी, पहला सवाल किसका होगा, शुरुआत करते हैं जी। आज का पहला प्रश्न अनामिका जी ने हमें लिखा है और अनामिका जी हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 अप्रैल 1992। जन्म का समय शाम के 4:03 और जन्म का स्थान है कोलकाता। अनामिका कह रही हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हूं लेकिन उसमें अड़चनें बहुत आ रही हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे मेरा विवाह अपने से हो सके और मेरा जीवन आगे बेहतर रहे। अनामिका, आपकी कुंडली के हिसाब से ये बात बिल्कुल सही है कि आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा, जाने पहचाने लड़के के साथ। लेकिन कुंडली मिला लीजिएगा और सोच समझ के निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं बहुत हैं। इसलिए सोच समझ कर निर्णय लें तो बेहतर होगा। वैसे ज्यादातर लगता है कि साल 2025 के मध्य में आपका विवाह होना चाहिए। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा के पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें। सुबह शाम रोज नमः शिवाय का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो नरक चतुर्दशी पर दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से दीपक जलाना है, अब जरा पंडित जी वो बताने वाले, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, नरक चतुर्दशी पर एक विशेष दीपक जलाया जाता है यम देवता के लिए और उस दीपक से लंबी आयु मिलती है और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। तो ये समझते हैं कि आज जो आप दीपक जलाएंगे दीर्घायु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, वो कैसे जलाएंगे। देखिए, नरक चतुर्दशी पर जो मुख्य एक बड़ा दीपक जलता है, ये दीपक जलता है लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। इसको यम का दीपक कहते हैं, इसको यम देवता के लिए दीपदान कहा जाता है। घर के मुख्य द्वार के बाईं तरफ निकलते समय लेफ्ट साइड में जमीन साफ कर लें,
थोड़े से गेहूं या अनाज की ढेरी बना दें, उसके बाद इस पर सरसों के तेल का एक मुखी दीपक जलाइए, एक बड़े से दीपक में सरसों का तेल भरिए और क्रॉस करती हुई बाती उसमें लगा दीजिए, एक सिरा केवल उसका जला देंगे। दीपक की जो लौ होगी, दीपक का जो मुख होगा, वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। अब वहां पर पुष्प यानी फूल और जल चढ़ाकर यम देवता से प्रार्थना करेंगे, अपनी लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और परिवार में सबकी लंबी आयु और सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे। ये दीपक थोड़ा बड़ा बनाइएगा ताकि ये लंबे समय तक जलता रहे और आज इसको जलाने का सबसे सही समय होगा, जब सूर्यास्त हो रहा होगा, न रात होगी न दिन होगा, यानी दो समय मिल रहे होंगे, उस समय इस दीपक को जलाना लाभकारी होगा। चलिए एक बार फिर से राशियों पर लौटते हैं और अब अगली राशि जिसके बारे में हम बताने वाले हैं वो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, आज के दिन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है और शुभ रंग क्या होने वाला है वो पंडित जी से जानते हैं। तुला राशि, धन के नुकसान से बचाव करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, खान पान में सावधानी रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि वालों का इंतजार भी अब खत्म हुआ, उन्हें भी पता चलेगा कि उनका दिन कैसा रहने वाला है, क्या करना है क्या नहीं करना है, शुभ रंग भी क्या है वो भी समझेंगे। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, वाहन का सुख मिलेगा, परिवार में मंगल कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। तो धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है दिन, क्या करना है क्या नहीं करना है, शुभ रंग धनु वालों के लिए क्या है वो भी जानते हैं। धनु राशि, करियर में सफलता के अवसर मिलेंगे, संतान की बहुत उन्नति होगी, नई जिम्मेदारी मिल सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब दरअसल देखिए ऐसा है कि छोटी दीपावली पर कुछ जगहों पर हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है और इस दिन कैसे हनुमान जी की पूजा अर्चना करती है पंडित जी? देखिए, भारत में बहुत सारे जगहों पर चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है और बहुत सारी जगहों पर छोटी दीपावली पर भी हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, खासतौर से दक्षिण भारत में। तो अगर आज आप हनुमान जी की उपासना करना चाहते हैं या चाहती हैं तो कैसे करेंगे? शाम के समय में हनुमान जी के सामने एक घी का दीपक जलाइएगा, पहले यम का दीपक जला लीजिएगा, उसके बाद अपने पूजा स्थान पर बैठ करके हनुमान जी के सामने घी का एक दीपक जलाएं,
उन्हें लड्डुओं का भोग लगाएं और उसमें तुलसी दल जरूर डाल दीजिएगा। इसके बाद पहले भगवान राम का स्मरण करें, पहले भगवान राम का ध्यान करें, इसके बाद हनुमान जी की पूजा करिएगा। या तो हनुमान जी के मंत्रों का जप करिए, ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट, तो हनुमान जी के मंत्रों का जप करें, या तीन बार कम से कम या सात बार कम से कम हनुमान चालीसा पढ़िए, संकट मोचन हनुमानाष्टक पढ़िए, हनुमान जी की विधिवत आरती करिए और इसके बाद हनुमान जी से कृपा वो करें आपके ऊपर, इसकी प्रार्थना करिए। आज शाम को थोड़े समय हनुमान जी की पूजा जरूर करिएगा, खास तौर से जो लोग कर्ज से, मुकदमे से या लंबी बीमारी से परेशान हैं, यम देवता के लिए दीप दान करने के बाद हनुमान जी की पूजा अवश्य करेंगे। और अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। तो पंडित जी, दरअसल जब पूजा करते हैं तो सरसों के दीपक को जलाने की मनाही रहती है, उसके पीछे की क्या वजह है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि सामान्य रूप से सरसों के तेल का दीपक जला करके पूजा घर में नहीं करनी चाहिए? देखिए, सरसों के तेल का दीपक दो ही अवसरों पर घर में जलता है, एक जलता है दीपावली के अवसर पर और एक जब पूर्वजों की पूजा की जाती है या पितरों के लिए दीपक जलाना होता है तो सरसों के तेल का दीपक जलता है, अन्यथा घर के पूजा स्थान पर सामान्यतः तिल के तेल का दीपक या घी का दीपक जलाना ज्यादा बेहतर होता है। अब देखिए, सरसों के तेल में एक झांस होती है, एक उसकी खुशबू होती है या उसका प्रभाव होता है कि सरसों के तेल को जलाने से आंखों में पानी गिरने लगता है या आंख नाक से पानी आने लगता है। तो अगर पूजा स्थान पे आप सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे तो वहां बैठ के पूजा करना बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि अगर सरसों का तेल शुद्ध हुआ तो आपके आंख से नाक से पानी आने लगेगा, आप एकाग्र नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि सामान्यतः पूजा स्थान पर घी का या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। और अब राशियों पर फिर लौटते हैं, अगली राशि मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या करना है और किन चीजों से आपको बचना है, शुभ रंग आपके लिए क्या है, वो समझते हैं। मकर राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तो राशियों पर अब आगे बढ़ रहे हैं, कुंभ राशि। कुंभ राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और क्या करना क्या नहीं करना है, ये भी आपको हम बताएंगे, शुभ रंग भी आपके लिए जानेंगे पंडित जी से। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। और अब वक्त है आखिरी राशि यानी मीन राशि का। मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, क्या मीन राशि वालों को करना है, किन चीजों से बचना है, शुभ रंग क्या है, वो भी समझते हैं। मीन
मीन राशि, विवाह तय हो सकता है, करियर में कुछ बदलाव होगा, धन की प्राप्ति होगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग होगा आज के लिए धानी। और अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लिए आज क्या है खास? लकी नंबर की बात करते हैं। नंबर 1, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, मानसिक समस्याएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 4, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। नंबर 5, करियर में कुछ परिवर्तन होगा। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, निर्णयों में सावधानी रखें। नंबर 8, किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। और नंबर 9, करियर की समस्या आपकी हल होगी। और अब समय है भाग्य पहर का। आज के भाग्य पहर का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और इस दौरान हमें क्या करना चाहिए ये समझते हैं। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम के 7:30 से रात के 9 के बीच में। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ऐसा करने से समस्त परिवार के आयु और स्वास्थ्य की रक्षा होगी। तो एक बार फिर से वक्त हो गया है आपके सवाल का। लेकिन आप अगर सवाल पूछना चाहें तो सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान और जन्म समय लिखकर और सवाल लिखकर भाग्यचक्र@aajtak.com पर भेजते हैं। और अब पंडित जी बताइए दूसरा सवाल किसका है। अगला प्रश्न चितरंजन जी ने हमें लिखा है, नई दिल्ली से लिखते हैं। चितरंजन जी की जन्म तारीख है 28 दिसंबर 1970। जन्म का समय प्रातः काल 9:30 और जन्म का स्थान है कोलकाता। में लिखते हैं दिल्ली से। चितरंजन जी कह रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति कुछ समय से अच्छी नहीं चल रही है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर हो और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। चितरंजन जी, ऐसा लगता है कि अगले साल शुरुआत में आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करेंगे और प्रॉपर्टी सेल करके आपका स्थान परिवर्तन होगा। अगले साल के मार्च के बाद चेंज ऑफ प्लेस करेंगे, हो सकता है कोलकाता की तरफ जाने का प्रयास करें और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। आने वाले समय में मार्च 25 के बाद आपको समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और भविष्य में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। फिलहाल आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और सुबह शाम दोनों समय सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दुर्गा सप्तशती में दिया रहता है, इसका सुबह शाम रोज पाठ करिए, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। अब बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। आज के सक्सेस मंत्र में पंडित जी क्या रहने वाला है खास? बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी सौंफ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो हरी धनिया खाकर घर से जाइएगा, लाभ होगा।
अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर दीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। और अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो हरा रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। और अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान जानने का। तो आज का दिन किस राशि वालों के लिए बहुत शुभ होगा और आज किस राशि वालों को बहुत सावधान रहना चाहिए, ये समझते हैं। बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन शुभ होगा कन्या राशि के लोगों के लिए, महत्वपूर्ण काम बनेंगे, धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए, धन का लाभ होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे, तनाव दूर होगा। और आज सावधान रहना होगा कुंभ राशि वालों को, सेहत बिगड़ सकती है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में आकर समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।